रह भी गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ हमने मंजीत से बात ना करने का फैसला किया। अपना ही दोस्त चोरी करे, who would accept him? Let's go play चोर पुलिस। Yes, we won't meet him. पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं इसके। मुझे लगता है सारा खानदान ही ऐसा होगा। लेकिन मंजीत पर इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, ये नहीं सोचा था। नहीं चाहिए मुझे कोई दोस्त। He shocked us. टॉयलेट में मेरी आंखों के सामने वो किसी ड्रग पर ओवरडोज करने लगा। मेरी तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। I was so scared. फिर विनी सर आए, मंजीत को हॉस्पिटल ले गए। प्रिंसिपल ने मंजीत के डैड के साथ मीटिंग की। He will have to lose out on a year. रात को हम सब विनी सर के घर पर मिले। उसने तुम सबसे माफी मांगी है, कह रहा था वो बहुत शर्मिंदा। हम सब बहुत ही शर्मिंदा थे। He was going such a rough phase in life and we were craving more money. लेकिन सवाल तो वो ही रहा। सर, लोग ड्रग्स क्यों लेते? राजीव, ये रैबिट किसका है? मेरा है, और किसका है? इतना बड़ा हो गया अभी भी रैबिट से खेलता है। तुझे इससे क्या? अरे लेकिन इसका नाम क्या है? जूली, राजीव की गर्लफ्रेंड। क्यों, जलन हो गई क्या? जूली मेरे पास आओ ना। जूली आई लव यू। इससे लड़ाई मत करना, इसका भाई स्पोर्ट्स कैप्टन है, उसी की तो डोज जमाता है। स्पोर्ट्स कैप्टन हुआ तो क्या हुआ, किसी की दादागिरी थोड़ी ना है। और फिर रैबिट स्कूल में लाने की जरूरत भी क्या थी? तो एक काम कर, इसके भाई को जाके बोल, फिर देखते हैं। ठीक है। राघव, राघव, व्हाट्स अप? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? देखो तो संभालो अपने भाई को, बिना बात पे हमसे बहस कर रहा है। मैंने ऐसा क्या कहा? शट अप राजीव, इसे स्कूल में लाने की क्या जरूरत थी? हाँ चलो, इट्स ओके, होता है। यू प्लीज कीप क्वाइट, ओके? राघव, जूनियर बास्केटबॉल की टीम की सिलेक्शन हो गई ना, अभी तब तक हो जानी चाहिए, लेकिन टूर्नामेंट इज जस्ट ऑन द कॉर्नर, यू नो। मोस्ट प्रोबब्ली आज हो जानी चाहिए, एनीहाउ। वेरी गुड, बिकॉज़ बिफोर द टूर्नामेंट दिस किड्स विल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके बॉयज, लिसन वेरी केयरफुली, आपको अपनी ड्रिबलिंग और अपने पासेस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन कोई भी फर्स्ट सेशन में 5 सेकंड से ज्यादा ड्रिबल नहीं करेगा, फौरन पास करेगा, अंडरस्टूड? लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आई कॉन्टैक्ट। आपको देखना है कि आपके लेफ्ट राइट में, आपके बाजू आजू में कौन है, आपके टीम मेंबर्स कहां जा रहे हैं, कहां भाग रहे हैं। ओके, ऑलवेज कीप रनिंग एंड ऑलवेज कीप पासिंग, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, गुड। हां, और एक और बात, मैं अंडर 16 इंटर स्कूल टूर्नामेंट के कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए बाहर जा रहा हूं, कुछ दिन के लिए यहां नहीं रहूंगा। लेकिन आप लोगों की ट्रेनिंग चलती रहेगी और उसकी जिम्मेदारी होगी राघव के हाथों में। राघव आपको ट्रेन करेगा, उसकी हर बात आपको माननी होगी, अंडरस्टूड? हिज वर्ड विल बी फाइनल। Is that clear? Yes, sir. Any questions? Raghav, may I go to the toilet? No. Excellent. Okay, boys. Be good, stay fit, and train hard. When I come back, I want to see champions and not losers. Yes, sir. Rajiv Rana? This is ridiculous. I always knew there was something wrong with your hair. क्या यार? Get serious, John. Raghav has gone crazy. ये कोई शेड्यूल है? क्यों यार, क्या हुआ? पहले तो ये टीम की सिलेक्शन इज ऑल रॉन्ग। राजीव इज सच अ गुड प्लेयर और इसे रिजर्व में रखा गया है। अरे यार, होगी उसकी कोई स्ट्रेटजी? व्हाट स्ट्रेटजी? तुमने शेड्यूल देखा है? प्रैक्टिस सेशन 1.5 घंटे असेंबली के पहले और 1.5 घंटे असेंबली के बाद। इसके अलावा फ्री पीरियड, लाइब्रेरी पीरियड और यहाँ तक कि लंच में भी प्रैक्टिस सेशन। आई थिंक इट्स टू रिग्रेस।
यार मोना, हमारी जूनियर बास्केटबॉल टीम एनबीए की प्रैक्टिस कर रही है या माइकल जॉर्डन के अगेंस्ट खेलने वाली है? I think I need to speak with Raghav. Good idea. I think you should speak to Raghav. राफिया, मुझे मंजीत से मिलना है यार. Let's go meet him. नहीं, अभी तो उसे मिल नहीं सकते हम लोग यार. शायद एक दो हफ्ते के बाद. लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग. That's about it. Hi guys. Hey guys, what's up? Hey, what's happening? Hey John. कुछ नहीं यार. राघव के बास्केटबॉल ट्रेनिंग को ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है. तो अच्छा ही है ना. स्पोर्ट्स शुड बी टेकन सीरियसली यार. नो. आप समझ रहे नहीं हैं. राघव के ट्रेनिंग कैंप में स्पोर्ट्स नहीं सिखाया जाता है. वहां तो वर्ल्ड वॉर 3 की ट्रेनिंग चलती है. I think I need to talk to him. Mona, I think you're overreacting. टूर्नामेंट बहुत पास आ रहा है और बच्चों को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है. तुमने तो कहा था. हाँ राघव, मैंने कहा था. लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो अपना दूसरा काम कब करेंगे? अगर वो क्लासरूम में नहीं होते तो तुम्हारे साथ बास्केटबॉल कोर्ट में ट्रेनिंग कर रहे होते. They don't even have time for lunch. I think it's too rigorous, Raghav. That's absolute nonsense. Mona, स्पोर्ट्स कैप्टन कौन है? मैं कि तुम? But you don't understand. मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. गेम्स डिपार्टमेंट मेरा है, मुझे पता है उसे कैसे संभालना है. But you don't understand, Raghav. तुम स्कूल की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करो और मेरा काम मुझे करने दो, प्लीज. What is with you, Raghav? What's wrong with you? You're making a mountain out of a molehill. मैंने शेड्यूल सोच समझ के तैयार किया है. हमें ये कब जीतना है और मैं इसे हर हाल में जीत के दिखाऊंगा. And what about Rajiv? Rajiv's problem is my problem, not yours. Okay? Now if you'll excuse me, I have lot of work. Nobody, and I say nobody will be late. Not even the reserves. बेल बजते ही सबको यहाँ आके राइट अवे वार्म अप शुरू कर देना है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. मैं किसी को भी गप्पे मारते हुए नहीं देखना चाहता हूँ. देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर एनी लेटनेस एंड इनडिसिप्लिन. पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल तक जो भी जितने मिनट लेट होगा उसको उतने ही इस ग्राउंड के डबल चक्कर लगाने पड़ेंगे. और हाँ, नो एक्सक्यूजेस, नो मेडिकल सिचुएशंस, नो डॉक्टर्स नोट. और आपका होमवर्क और आपके टेस्ट पेपर्स आपके पर्सनल प्रॉब्लम है, उन्हें कोर्ट पे लाने की कोई जरूरत नहीं है. इज दैट अंडरस्टूड? मैं भी इसी स्कूल में हूं और मुझे भी टेस्ट और पेपर सॉल्व करने होते हैं. पर यहां पर एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द गेम. इज दैट क्लियर? इसके अलावा मैं ना ही कुछ सुनना चाहता हूं, ना ही देखना चाहता हूं और ना ही करना चाहता हूं. आई वॉन्ट यू एंड द गेम. नो रूम फॉर एनी थर्ड एलिमेंट. इज दैट क्लियर? यस सर. मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो. यस सर. लाउडर. यस सर. दैट्स बेटर. और फाइनल बेल के तुरंत बाद I want you all here. Don't be late. Disperse. तुमने सुना नहीं? मुझे रिजर्व में क्यों रखा गया है? क्यों? तुम्हारे सर पे सींग आ गए हैं? नहीं, वो तो तुम्हारे सर पर है. गेम्स टीचर जो बन गए हो. Shut up and go to your class. No. First you listen to me. तुम्हें पता है कि मैं टीम के बेस्ट 5 प्लेयर्स में से हूँ. सीनियर टीम के कुछ प्लेयर से भी कंप्लीट कर सकता हूँ. फिर जानबूझकर मुझे रिजर्व में क्यों रखा गया है? Don't argue with me. बहुत घमंड आ गया है तुम्हें अपनी गेम पे. पहले थोड़ी ट्रेनिंग कर लो और बाद में if you survive, I shall think about it. जाओ क्लास में और खेलो अपने चीकू के साथ. Go. It's not fair. Go now. It's not fair. Go now. एक नर्व बनाइए. Excuse me, ma'am. May I come in? क्यों? भाई क्लास तो आधी खत्म हो गई है, अब अंदर आके क्या करिएगा आप? आप कहें तो मैं सारा चैप्टर आपके लिए फिर से पढ़ा दूं. क्यों? सॉरी मैम. सॉरी? ये सॉरी लव्स आप लोगों ने अच्छा सीख लिया है. आप क्यों हंस रहे हैं? हाँ, सॉरी मैम. सॉरी, ये देखिए, इनसे सुनिए सॉरी. कुछ भी किया लेकिन फिर सॉरी कहा तो सब कुछ सुधर हो गया. हाँ, चलिए अंदर आइए. पता नहीं आगे चल के क्या करिएगा आप लोग. होमवर्क? होमवर्क कहाँ है आपका? उसके लिए भी सॉरी? मैम वो तो मैं नहीं लाया. नेक्स्ट मंडे मैच के बाद जमा कर दूं तो चलेगा? जमा कर दूं? क्या मतलब जमा कर दूं? ये कोई बनने की दुकान है जो आप जमा करेंगे? साइलेंस. हाँ, कि सेठ जी आज पूरे पैसे नहीं है, अगले हफ्ते ले लीजिएगा. समझ क्या रखा आपने इस क्लास को? ऊंट की तरह लंबे हो गए लेकिन अकल का कोई ठिकाना नहीं. टाई कहाँ है आपकी? आधा आधा घंटा क्लास में लेट आते हैं आप. हद हो गई. ये कोई सरकारी धर्मशाला है क्या? टाइम टेबल का कोई मतलब है कि नहीं है? ऊपर से कोई होमवर्क का कुछ ठिकाना नहीं. किधर है आपका होमवर्क? क्या करूं मैं आप लोगों का? सॉरी मैम. चुप रहिए, मैं आप अपना और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती. सॉरी मैम, सॉरी मैम. अपना होमवर्क कल लेके आइएगा. ओके? ओके मैम. बेला, हाँ डायग्राम्स तुम कंप्लीट करो. मसल बनाओ. चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस.
अब रेटिना ये एरो ठीक से बनाओ ना उसको. हाँ वेरी नाइस. चलो अब रेटिना बनाओ. Sorry, ma'am. Out! Get out! Get out! Okay, guys, concentrate on the game, okay? Faster, come on! Fast! You guys are completely lacking in energy. Fast, fast, come on! What are you doing, Nirmal? Faster, come on! Kya ho gaya, Rajiv? Kahan hai dhyan tumhara? Gir gaya tha, utha raha hu. Stop making excuses and concentrate on the game. जो गिर जाता है उसे खुद पे उठना पड़ेगा. ये क्या बात है? ये ही बात है. अब जाके पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाओ. It's not fair at all, Rana. Don't tell me what is fair. It's not fair at all. जाके अभी पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाओ. Go now. It's not fair at all. Go now. And I want you to run. Don't jog. Come on, fast. Start playing. What are you looking at me? Continue playing. Come on, go and play. Come on, faster, guys. Throw it properly. Fast, come on. Hey kiddo, what's up? Huh? Great Michael Jordan ne mujhe punish kiya hai. Oh, hi Mona. Hi. Magar kyun punish kiya tumne? Main ek ladke ke sath baat kar raha tha isliye. Ek proper line mein. In one proper line. Okay, I'll see you later kiddo. Okay, bye. Bye. Come on, fast. What are you doing, yaar? ट्रिपल करना आता नहीं है अभी तक तुम लोगों को. कम ऑन फास्टर. टू मच. हेलो हेड गर्ल. हेलो मैम. मैम हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा. आई मीन जस्ट लुक एट राघव. ही इज लूजिंग कंट्रोल. ही इज गोइंग ओवरबोर्ड. जब देखो कोई ना कोई इस ग्राउंड के चक्कर लगा रहा होता है या तो फिर इस बेंच पर पनिशमेंट भुगत रहा होता है. ये देखिए और एक. इट्स टू मच. हाँ हमने भी नोटिस किया है. वैसे बात भी की थी मैंने प्रिंसिपल के साथ. बट शी इज बीइंग अ लिटिल पेशेंट विद हिम मोना. एक्चुअली आई एग्री विद हर. वैसे राघव हमारा स्पोर्ट्स कैप्टन जो है आई थिंक वी शुड ट्रस्ट हिम अ लिटिल बिट ना. लेकिन मैम ऐसे. हाँ मोना लेकिन गलती करके सीखने की उम्र अभी है स्कूल में. वी शुड गिव राघव दैट अपॉर्चुनिटी. डोंट यू थिंक सो? मे बी यू आर राइट. देन अगेन मे बी आई एम नॉट. आई सी यू लेटर. आई एम. अभी आ रहे थे स्कूल से. ये तेरे स्कूल से आने का टाइम है? बास्केटबॉल प्रैक्टिस. बास्केटबॉल प्रैक्टिस. ये रोज रोज की बास्केटबॉल से मैं तंग आ गई हूँ. रख दो कोल्ड ड्रिंक. रख दो अभी दूध पियो. पढ़ाई कब करेगा तू और होमवर्क कब करेगा बोलो? पापा अभी आते होंगे और मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे. लगता है ऐसा कि फेल होने वाला है. माँ अगर बास्केटबॉल प्रैक्टिस अटेंड नहीं करूंगा तो राघव टीम से निकालेगा. राघव कौन होता है टीम से निकालने वाला? गेम्स टीचर राघव है या अर्जुन सर है बोलो? गेम्स सर ने टीम का चार्ज उसी को ही दिया है. अरे तो क्या सारा दिन मजदूरी कराएगा कोर्ट में? है काम वो. अरे घर क्यों नहीं आया अभी तक? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में. अभी तुम्हारे पापा आएंगे और चिल्लाने लगेंगे मुझे पर. फिर उनका गुस्सा मालूम है ना. रोते हुए मेरे पास मत चले आना. जाओ रफे के घर फोन करो, वहीं होगा शायद. प्लीज माँ मैं बहुत थक गया हूँ. वहां वो चिल्लाते रहता है, यहाँ पापा चिल्लाते रहते और यहाँ तुम रोती रहती. आई एम सिक ऑफ माई लाइफ. Sick of my life, sick of my life. इतना छोटा सा है नहीं sick of your life. मैं सोने जा रहा हूँ. कल ही मैं स्कूल में जाके ना तुम्हारे प्रिंसिपल से कंप्लेन करती हूँ. स्कूल है या खड़ा है? माँ प्लीज डोंट इंटरफियर. You guys are late. And I'm not going to tolerate this indiscipline. हाँ हाँ मालूम है. Let's go run. कितने चक्कर. जब मर्जी होगी बुला लेगा. Come
Come on guys, faster. What are you all doing? क्या कर रहे हो तुम लोग? More energy. What are you guys doing there, यार? I hate him, yeah. Me too. भीड़ मत करो, चलो हटो सब लोग। Oh shit, he's fainted. हाँ, इसने लंच भी नहीं किया है प्रैक्टिस की वजह से। चलो उठाओ इसे, थोड़ी देर छांव में जाके बैठो मनोज, जाके छांव में बिठा देना, ओके? Okay guys, we wasted enough time. Let's start practicing. Come on, come fast. गई। Hey guys, Arago को हुआ क्या है हाँ? Hello. Ouch. I mean, मैंने उसे hi कहा और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। हाँ, उसने जरूर तुम्हें आते हुए देख लिया होगा। Oh shit, hot up Cyrus. अब थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाला है और वो गेम्स रूम की तरफ जा रहा था। Isn't he stupid? अरे यार, वो जूनियर बास्केटबॉल टीम का कोच है। टूर्नामेंट की पूरी तैयारी उसे ही करनी है। अर्जुन सर भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी उसी पर है। हाँ तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर लेते मेहुल? राघव तुम्हारा भी तो दोस्त है, I think you should help him out. अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ? What do you mean मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इसके लिए थोड़ी तो भाग दौड़ कर सकते हो ना? हाँ, उससे तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा। ओके ओके, वेरी फनी। हे, व्हाट्स सो फनी? मेहुल्स वेट प्रॉब्लम। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके? ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज हिज नॉर्मल वेट। हे गाइस, अभी हम लोग ने राघव को देखा, वो जोर जोर से जूनियर किस पे चिल्ला रहा था यार। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो कह रही थी कि उसने आपसे बात भी नहीं की। शट अप स्टूपिड। ओके गाइस गाइस गाइस, सीरियस, राघव इज रियली स्ट्रेस्ड आउट। जूनियर बास्केटबॉल टीम के लिए वो बहुत परेशान है। आई थिंक वी मस्ट ऑल सपोर्ट हिम, ओके? आजकल तो हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता। यार वही तो मैं कह रही हूँ, तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हो। यार सिर्फ 5 दिन रह गए यार, दिस टूर्नामेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर राघव। हाँ यार, दिस इज हिज फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, हम सबको इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेशन वो चाहे तब ना, आजकल तो अपने धुन में रहता है, क्लास भी टाइम पर अटेंड नहीं करता। आई जस्ट होप ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। यार वही तो मैं कह रही हूँ। व्हाट? शट अप। राघव या? हाँ यार, पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हाँ, he thinks he's so great. ओ शिट, राघव! अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओपन अप, प्रैक्टिस के लिए कौन आएगा? राजीव नहीं आना। What do you mean नहीं आना? जब जी चाहेगा तुम नहीं होगे। Stop it I say. I won't. Listen to me, damn you. I won't. I hate you. I'm ashamed of you. I wish you were my brother. Na 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 na. Excuse me ma'am, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, मैं सुन रही हूँ। मैम, आई हैव अ रिक्वेस्ट। मुझे पूरी टीम बदलनी होगी, नए प्लेयर्स लेने होंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिसिप्लिन एंड आई वांट द होल टीम चेंज्ड। नो राघव, आई वांट यू चेंज्ड। मस्ती के
मस्ती